नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट लाइव। देखिए, कांग्रेस जो है लगातार बदलाव की स्थिति से गुजर रहा था। इस बीच जो है वहां पर राहुल गांधी को जो है अध्यक्ष दोबारा से बनाने की बात चल रही थी, जब सोनिया गांधी ने जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लगातार कांग्रेसी इस समर्थन में थे कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाना है। राहुल गांधी की जो महंगाई का हल्ला बोल कार्यक्रम था लीलावती मैदान में, वहां भी कांग्रेसियों ने जो है पोस्टर लेकर के जो है यहाँ पर राहुल गांधी से अपील की थी कि अध्यक्ष पद संभालो, लेकिन राहुल गांधी ने इस बार एकदम सीधे तौर पर इनकार कर दिया, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो थी कांग्रेस की वो काफी ज्यादा मजबूती से अभी देख करके सामने आ रही है। और राहुल गांधी पार्टी पर जो एक ठप्पा लगा हुआ है परिवारवाद होने का, उसको भी कहीं ना कहीं हटाना था। अध्यक्ष पद को लेकर के गहमा गहमी हुई कि आखिर राहुल नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। तो अशोक गहलोत, शशि थरूर जैसे नाम सामने आए, लेकिन अशोक गहलोत को जो है राजस्थान का मुख्यमंत्री पद छोड़ना जो है नागवार गुजर रहा। यही कारण रहा कि अशोक गहलोत आखिरी वक्त तक राहुल गांधी को मनाते रहे कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। लेकिन राहुल गांधी ने ठान लिया था कि इस बार परिवारवाद का जो ठप्पा उनकी पार्टी पर लगा हुआ है उसको कहीं ना कहीं जो है हटाना। और अशोक गहलोत पर जो है कांग्रेस लगातार दबाव बना रही थी, क्योंकि कांग्रेस के पास दिग्गज चेहरों की या कह रहे लीडरों की जो है काफी ज्यादा कमी है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में अगर कुछ दिग्गज लीडरों की बात करें तो शशि थरूर, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो है एकमात्र दिग्गज है। लेकिन देखिए, उसके बावजूद भी जो है कांग्रेस जो है लगातार बदलाव की स्थिति से जब गुजर रही थी, उस वक्त कांग्रेस के पास जो है चेहरा नहीं था। लेकिन अब देखिए कि ये बात अब तय हो गई है। कल आखिरी बार जो है अशोक गहलोत मनाने पहुंचे थे राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी फिर भी नहीं माने और उन्होंने कह दिया कि इस बार जो है अध्यक्ष पद अशोक गहलोत को ही संभालना है, लड़ना है। तो अब अशोक गहलोत जो है शशि थरूर के खिलाफ जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ने वाले हैं। देखिए, अब जो है एक बड़ा फैसला जो है यहाँ पर आ चुका है कि अब ये बात तय हो चुकी है कि कोई ना कोई गैर गांधी परिवार का जो है व्यक्ति वही अब कांग्रेस की कमान को संभालेगा। लेकिन सवाल अभी भी कई सारे उठ रहे हैं, क्या कोई गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष बनने के बावजूद क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी की कठपुतली बने बिना काम कर सकता है या नहीं? इसका जवाब क्या है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट लाइव।